हेलो स्टूडेंट्स दिस इज तुषार पटेल यू ऑफ फिजिक्स एक्सपर्ट वेलकम ऑन एम बाइब सो हियर वी आर विद द नेक्स्ट सेशन फॉर क्लास टेन इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिल्कुल इजी हो जाता है जब आपके दिमाग में रेजिस्टिविटी क्लियर हो इसलिए मैंने इतना एफर्ट्स लिया आपको रेजिस्टिविटी दिमाग में घुसाने के लिए रिपीट कर करके आपको बताया ताकि आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बहुत 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 अच्छे से समझ पाओ चलिए इट इज वेरी इजी जिस तरह से जिस तरह से हमने ये देखा कि किसी भी मटेरियल में आप उसका लेंथ और एरिया दो अगर मटेरियल है प्लास्टिक और कॉपर प्लास्टिक और कॉपर का लेंथ सेम ले लो एरिया सेम सेम ले लो उनका रेजिस्टेंस नहीं होता क्यों क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी अलग है रेजिस्टिविटी क्यों अलग है क्योंकि जो हमारे पास कॉपर है उसके अंदर काफी सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे देखो ये छोटे 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 देखो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर 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 घूम के आगे पीछे आगे पीछे हो रहे हैं समझ में आ गया तो कॉपर के अंदर

और अगर हम इसी केस में प्लास्टिक की बात करें जैसे प्लास्टिक का जो हमने बात किया उसमें कोई ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉनिक कहीं इलेक्ट्रॉन ही नहीं दिख रहे आगे पीछे देखो कहीं दिख रहा है कुछ इलेक्ट्रॉन, आराम से आटम अपनी जगह चार्ज विद सेल्फ कोई इसमें चार्ज को कैरी करने वाली चीज ही नहीं बची है समझ में आया तो इसीलिए प्लास्टिक जो है उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है वो पुअर कंडक्टर है तो हमने इस बेसिस पे ये जाना कि रेजिस्टिविटी ये होता है कि कौन कितना करंट को अपोज कर पाए कौन सा मटेरियल ज्यादा टेंडेंस रखता है करंट को अपोज करने का कौन सा मटेरियल कम टेंडेंस रखता है जिसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन वो कम टेंडेंस रखता है जिसमें कम फ्री इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा टेंडेंस रखता है तो सिंपली रेजिस्टिविटी एबिलिटी टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना नेगेटिव पढ़ रहे हो हम एबिलिटी टू रेजिस्ट मुंह नहीं करने देना इलेक्ट्रॉन को हम उसको थोड़ा पॉजिटिव में क्यों ना पड़े तो उसको पॉजिटिव में भी पड़ने के लिए हमने उल्टा कर दिया उसका तुम बोल रहे हो रेजिस्टिविटी है कि तुम कितना रेजिस्ट कर रहे हो तो हमने बोल दिया कंडक्टिविटी ये होती है कि, कि कितना हम अलाउ कर रहे हैं रेजिस्टिविटी इस कितना हम इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट कर पा रहे हैं वो कैलकुलेट करें उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं तो कंडक्टिविटी वो हो गया कि हम कितना इलेक्ट्रॉन्स को

जब हम ऐसे बात करते हैं कि तो कंडक्टिविटी तो बताओ रेजिस्टिविटी का क्या था? तो ये हो गया, लिखना, इससे ऐसा लिखो ना ओह मीटर का इनवर्स अब साइंटिस्ट क्रिएटिव होता है उन्होंने क्या कर दिया क्योंकि इनवर्स ही लेना है ओहम का उल्टा कर दो तो ऐसा कर दिया ये सिंबल का उल्टा कर दिया तो प्लीज मीटर का इनवर्स मीटर इनवर्स ही होता है उसको डब्ल्यू मत बना देना ओके ओके का का इनवर्स 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 उल्टा उल्टा सिंबल होता होता है है मीटर मीटर वो करके मत बना देना प्लीज चलो इसका नाम देखो कैसा दिया बहुत क्रिएटिव होता है साइंटिस्ट ये सिंबल को हम क्या बुलाते हैं ओहम बुलाते हैं ये तो मीटर इनवर्स है ही तो इस सिंबल क्योंकि ये ओहम का, का उल्टा है मीटर ओहम इनवर्स है ये ओहम का उल्टा है तो ओ हम को ऐसे रीड करो एम एच ओ इसको बुला दिया मो समझ में आ गया और ये मीटर इनवर्स इनवर्स का मीटर इन्वर्स। तो आपके पास अभी चॉइस है आपको जैसे बोलना है बोलो तो ओ हम और मीटर दोनों साथ में लेके पूरे का इनवर्स या इसका सिंबल का नाम हो गया मो और ये मीटर इनवर्स का मीटर इनवर्स तो मो फिर पूरे के लिए इनवर्स नहीं है सिर्फ मीटर के लिए इनवर्स है समझ में आ गया सो तो हम याद रख सकते इस तरह से कि रजिस्टि कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है ओहम और मीटर दोनों का इनवर्स या फिर ओहम का इनवर्स ऑलरेडी ले लो उसको बोल दो मो और ये मीटर का सिर्फ अकेले का इनवर्स समझ में आ गया तो यहां पे देखो ओहम और मीटर दोनों का ब्रैकेट के बाहर इन्वर्स है या फिर ओहम का उल्टा मोह बोल दिया और मीटर मीटर का इनवर्स मीटर इनवर्स बोल दिया